हेलो गाइस, आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या दे रखा है हमें? मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है। यदि किसी समुच्चय एक्स के लिए ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल फाइव हो तथा ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए बराबर क्या होना चाहिए? बी। इसके लिए हमें संकेत भी दे रखा है। संकेत में क्या दे रखा है कि ए इक्वल ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। दूसरा दे रखा है बी इक्वल किसके होगा? बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। और हमें वितरण नियम का प्रयोग कीजिए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का भी यूज करना है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है वो लेते हैं। मैं क्या दिया हुआ है? ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स। तो सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले दिया हुआ इसी को लेके चलते हैं, ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स। अब देखिए, अब हमें देखो संकेत को देखते हुए चलो। संकेत में देखिए ए यूनियन एक्स है, इंटरसेक्शन किससे किया हुआ? ए से। और बी यूनियन एक्स है तो इंटरसेक्शन किससे किया हुआ? बी से। अब इसमें ये तो है नहीं, हम एक तरफ LHS के एक तरफ तो इंटरसेक्शन ए से करें और एक तरफ इंटरसेक्शन बी से करें, ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले ए से इंटरसेक्ट करेंगे, दूसरी बार हम बी से इंटरसेक्ट करेंगे, ताकि हमें हिंट से भी हम आगे बढ़ सकें। तो इसमें ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स में दोनों साइड हम ए से इंटरसेक्ट करेंगे, तो लिखते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। तो दोनों साइड दोनों तरफ ए से इंटरसेक्शन, यानी कि सर्वनिष्ठ किया, सर्वनिष्ठ करने पर लिखा जा सकता है। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? ए, इसको लिखा ए इक्वल। और हमें ये भी कहा है वितरण नियम का, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो यहाँ हम लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। कौन सी लगाए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि वितरण नियम। यह हुआ हमारे पास। अब देखिए ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन एक्स हमें क्या क्या दिया हुआ, ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों बराबर, किसके बराबर है? फाई के। यानी चूंकि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल क्या है? फाई के, ये हमें भी दिया हुआ है। तो ए इक्वल मैं क्या लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन फाई, यानी एक एम्प्टी सेट है और एक आपके पास इस सेट को अगर आप सी मानते तो सी यूनियन एम्प्टी सेट, तो सी आएगा, यानी कि ए इक्वल मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी किस कंडीशन में हो सकता है, इसको अगर हम वेन डायग्राम से अगर मैं समझना चाहूँ तो इसको हम लिख सकते हैं, ये एक वेन डायग्राम बनाया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए किस कंडीशन में हो सकता है, जब आपके पास ए क्या हो, सबसेट हो किसका, बी का। ये आपके पास ए है, ये बी है, यानी ए किसका सबसेट है, बी का। ए और बी का अगर इंटरसेक्ट निकालेंगे तो हमारे पास ए तो आएगा, किस कंडीशन में आएगा, जब ए सबसेट किसका हो, बी का। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए सबसेट बी का। इसको दिया इक्वेशन नंबर एक। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ था, ए यूनियन एक्स इक्वल बी यूनियन एक्स, ये दिया हुआ था, तो दिया हुआ। संकेत में हमारे पास पहले वाले में क्या था, ए का इंटरसेक्ट किया था इसके साथ, यानी दोनों तरफ ए से इंटरसेक्ट किया था। इस बार हम क्या करेंगे, दोनों तरफ
बी से करेंगे, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, तो दोनों तरफ बी से सर्वनिष्ठ करने पर, यानी इंटरसेक्शन करने पर, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, ए यूनियन एक्स की जगह मैं क्या लिख सकती हूं, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, यहां पे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकती हूं, तो मैंने लगा बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स। संकेत में हमें क्या दे रखा है, संकेत में हमें दे रखा है कि बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स किसके इक्वल है, बी के, ये हमें संकेत में दे रखा है, तो यहां हमने लिख दिया बी। अब यहां हमें हमने क्या लगाया था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो बी इंटरसेक्शन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स हमें क्या दिया हुआ है, जबकि ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल बी इंटरसेक्शन एक्स इक्वल क्या दे रखा है, फाइ, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, फाइ इक्वल वी। अब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइ निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन ए इक्वल बी। बी इंटरसेक्शन ए इक्वल बी कब हो सकता है, जब बी सबसेट किसका हो, ए का, यानी इसका अगर वेन डायग्राम से अगर मैं समझना चाहें तो हम एक बार देखिए, ये मेरे पास क्या आ गया, अंदर वाला बी और ये ए, देखिए बी सबसेट किसका होगा, ए का होगा, तभी तो बी आएगा इंटरसेक्ट करेंगे तो ये हो गया बी सबसेट ए का, इसको इक्वेशन नंबर दे दी दो। अब इक्वेशन एक और दो में देखिए, इक्वेशन एक में क्या था, इक्वेशन एक क्या हमारे पास ए सबसेट बी, इक्वेशन दो क्या है, बी सबसेट है, तो इक्वेशन एक और दो से, इक्वेशन वन एंड टू से क्या होगा कि इक्वेशन एक क्या है, ए सबसेट बी, और सेकंड क्या है, बी सबसेट है, दोनों को कंबाइंड लिखूंगी तो क्या लिख दूंगी, ए इक्वल बी, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, क्योंकि बी और ए आपस में क्या आ गया हमारे पास,